गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बीटीसी थर्ड सेम में मैथ्स की में जो अनुपात वाले सवाल थे उसी में ये सवाल भी करवा रही हूँ कि वो दिया उदाहरण लिए मैंने कि 15 आदमी 2 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 5 आदमी 6 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखो 15 आदमी 2 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो काम जो है 10 दिन में खत्म होता है, तो 5 आदमी जो है वो 6 घंटे काम करके उसी काम को जो है कितने दिन में कर सकते हैं। अब इसको जो है हम इकाई के मेथड से भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बस अनुपात वाले मेथड से भी हम करते हैं। पहले मैं जो मेथड कौन सा लगा रही हूँ, इकाई वाला, इकाई मेथड से कैसे आएगा, इकाई मेथड लगाएंगे तो इसमें के लिखेंगे कि 15 आदमी 2 घंटे काम करके काम को पूरा करते हैं, काम 2 घंटे काम करके काम को पूरा करते हैं, पूरा करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। अब एक आदमी 1 घंटे अगर काम करेगा तो काम जल्दी खत्म होगा जब देर से, एक आदमी जो अगर होगा तो काम ज्यादा दिन में खत्म होगा, इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। अगर हम 1 घंटा काम करेंगे तो काम के लिए हमें और दिन और चाहिए, वो हमारे कितने होंगे, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम उसी काम को जो है 5 आदमी 1 की जगह 5 आदमी करेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा इसलिए, और 6 घंटे काम करेगा तो भी काम जल्दी खत्म होगा इसलिए हम ये किससे डिवाइड हो जाएगा, दोनों से। तो जब ज्यादा होता है तो मल्टीप्लाई होता है, जब कम होता है तो डिवाइड होता है। अब इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 5 15, 5 से 5 कितना आंसर आया, 10 दिन। ये तो तुम्हारा इकाई का मेथड था। अब हम इसको जो है अनुपात के मेथड से भी कर सकते हैं। अनुपात के मेथड से क्या है कि एक तरफ हम अनुपात जब हम लगाते हैं, अनुपात मैंने उस दिन आपको प्रतिलोम और अनुलोम अनुपात लगाना सिखाया था। जब हम अनुपात में करते हैं तो एक तरफ जो जो हमें दिया होता है लिख लेते हैं आदमी, दूसरी तरफ घंटे, तीसरी तरफ दिन। अब आदमी कितने हैं, 15, घंटे कितने हैं 2, काम कितने दिन में खत्म होता है, 10 दिन में। अब आदमी कितने हैं, 5, घंटे कितने हैं 6, हमें पता नहीं है काम कितने दिन में खत्म होगा। अब देखो जैसे अगर आदमी बढ़ जाते हैं, आदमी ज्यादा है तो काम 10 दिन में होता है, अगर आदमी कम होंगे तो काम जो होगा ज्यादा दिन में होगा, इसको इसका मतलब ये अनुपात का निशान लगा दिया ऐसे। अब 2 घंटे हैं, 2 घंटे काम करते हैं 10 दिन खत्म होता है, अगर 6 घंटे काम करेंगे तो काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, जब हम ऐसा अनुपात लगाते हैं तो इसका मतलब इसको हम सीधा ही लिखते हैं। अब जब हम उल्टा अनुपात लगाते हैं तब हम 6 पहले लिखेंगे और 2 लिखेंगे, और काम कितने दिन में है, 10 और 10, ठीक है। अब इसको जब अनुपात लगाते हैं तो बाहरी अनुपातों का जोड़ मल्टी गुणनफल गुणा 10, ए अनुपात बी समान अनुपात, बी अनुपात सी अनुपात 10 अनुपात x। अब देखो जे 15 मल्टीप्लाई हो गया 2 से और जे 10 है, 10 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे जो 5 और 6 से डिवाइड कर लेंगे। जब ऐसे करेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी आएगी, x की। किसकी वैल्यू हमने निकाल ली, x की। x बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 3 6 3 5 15, 5 से 5 कट गया तो x कितना आ गया, 10 दिन के।
आप किसी भी मेथड से इस सवाल को कर सकते हो, चाहे अनुपात का हो चाहे समान अनुपात का हो। धन्यवाद। ओहो।